हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड इट्स योगेश टेक वर्ल्ड। सो गाइस, फाइनली फाइनली एंड फाइनली मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, सबको थैंक यू सो मच एवरीवन। गाइस, मुझे आज 1K सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे कंप्लीट हो गए। मैं स्टार्टिंग किए से जीरो से और आज मेरे चैनल पे 1K प्लस सब्सक्राइबर हो गए, कुछ 1.45K सब्सक्राइबर है। और गाइस, मेरे चैनल को टोटल शुरू किए हुए 6 मंथ्स हो गए। मैंने चैनल कुछ 6 महीने पहले चालू किया था और अभी टोटल फाइनली 6 मंथ हो गए और फाइनली मेरे चैनल पे 1K प्लस सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर कुछ 1 महीना पहले हो गए थे, लेकिन अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी रहेगी जिसमें मैंने आई एम बैक करके बताया कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए अभी फाइनली 1K सब्सक्राइबर की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो अभी मैं फाइनली 1K सब्सक्राइबर की वीडियो आपको सबको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, मुझे आधे यहाँ तक लाने की, और आगे भी मैं बहुत अभी वीडियो अपलोड करते रहूँगा और अभी आगे 10K 100K और मिलियन तक भी जाना है गाइस। तो अभी फाइनली 1K सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मेरे चैनल पे कुछ 1.45K 48K सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। मेरी एक वीडियो जो वायरल हो गई जो थी हाउ टू चेंज यूट्यूब चैनल नेम, तो वही वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए थे। ऑलमोस्ट 1K सब्सक्राइबर जो है उसी वीडियो पे आ गए थे और बाकी के जो 400-500 सब्सक्राइबर है वो जो है दूसरी वीडियो से आ गए थे। तो गाइस, ये जो 6 महीने लगे इसमें मैं 3 महीने यूट्यूब पे था, 3 महीने मैंने कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड की, टोटल 60-70 वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, और बीच में कुछ मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी फ़िलहाल चैनल पे कुछ 40 प्लस वीडियो है या 30 प्लस या 40 प्लस वीडियो है। तो उसके बाद जो मैंने 3 महीना बीच में नहीं अपलोड कर पाया प्रॉब्लम की वजह से, और उसी में मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गए। तो टोटल मिला के मुझे 6 मंथ्स लग गए जिसमें मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गए। गाइस, किसी को एक साल साल दो दो साल हो जाते लेकिन उनके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर नहीं होते, तो किसी के 1-2 महीने में ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये सब डिपेंड है आपके कंसिस्टेंसी पे, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहे हो। मैंने भी जो स्टार्टिंग में जो 30-40 वीडियो अपलोड कर दिया और मैंने सोचा था कि यार कंटिन्यू करूँगा 6 महीने 1 साल कंटिन्यू करते रहूँगा, लेकिन नहीं कर पाया, प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अभी इसे जो कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइस, अगर आप भी यूट्यूब पर आ रहे हो तो आप भी सोच कर आए, एक टारगेट बनाए कि मैं 40-50 वीडियो अपलोड करूँगा और कंटेंट जो क्वालिटी कंटेंट ही बनाऊंगा आगे से। अगर आप स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे हो, स्टार्टिंग में आपको नहीं हो पाएगा, एकदम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे 1K सब्सक्राइबर भी है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं बीच में पॉज कर लेता हूँ कुछ, अभी जो पसीना भी आ जाता है क्योंकि अभी फैन भी सब बंद है, तो इसलिए फिर मैं पसीना विसना पूछ के फिर वीडियो शूट करता हूँ। तो प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में गाइस, अगर आपको करना है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बड़े बड़े ट्राइपॉड सब खरीदना चाहिए, मोबाइल खरीदना चाहिए, कैमरा खरीदना चाहिए। मोबाइल हर एक के पास होता है गाइस, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल के जो कैमरा रहता है बहुत अच्छा रहता है। और जो आपको मेन जो ध्यान देना आपको लाइटिंग के ऊपर देना है, अगर आप देखोगे तो मैंने अभी सामने मेरी एक लाइटिंग लगा लिया है जो कि एक बल्ब है, और पीछे में बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे भी कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक वाइट कपड़ा ले लिया डायरेक्टली और सिर्फ माइक पे परचेस किया, और अभी एक नया ट्राइपॉड ले लिया है, मिनी ट्राइपॉड है, उसकी अनबॉक्सिंग इसके बाद की वीडियो आएगी, उसमें मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो देखिए, एक फाइनली एक मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक ओपिनियन है कि अगर आपको भी यूट्यूब पर आना है, आपको ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं करना, आपको डायरेक्टली आपके पास जो भी है उसको आप करना है। मैंने स्टार्टिंग में ट्राइपॉड भी नहीं था तो मैं कुछ जुगाड़ वाला काम करता था जो मैं आपको बताऊँगा गाइस, अगर आपको जानना है मैं किस प्रकार से शूट करता था, कुछ बुक रख के और मतलब कुछ अलग ही तरीके से शूट करता था। लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा टाइम बचना चाहिए, क्योंकि वो जो सेटअप लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था, और जो टाइम मुझे मेरा कौन सा साइड में ऐसा घर भी नहीं है, मैं मेरे घर में शूट कर देता हूँ। तो आप भी यूट्यूब पर आए तो डायरेक्टली ऐसा मत समझे कि मेरी फर्स्ट वीडियो एकदम अच्छी होगी। आप बड़े बड़े यूट्यूबर की फर्स्ट वीडियो देखेगी तो फेस कैम भी नहीं रहती, डायरेक्टली जो है मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डर, मेरे भी कुछ पहले 7-8 वीडियो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर करके ही बनाए थे, लेकिन अभी फाइनली फेस कैम वीडियो चालू कर दिए। तो आप जितनी वीडियो अच्छी बनाओगे उतनी आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, अगर आपको एडिटिंग किस प्रकार से करनी नहीं पता तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द उसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है जिसमें बताऊंगा किस प्रकार से मैं खुद जो अपने मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ। मेरे पास लैपटॉप है लेकिन मैं उसमें अभी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो ईजी लग रहा है मोबाइल की लग रही है, मुझे आती है लेकिन मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट लगता है मुझे, मतलब बहुत ही हमें को अभी हार्ड लगती है, इतना भी नहीं आता है, इसलिए मेरे को अभी टाइम बचाना है, इसलिए मैं अभी सीधा अपने मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ। तो उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आएगी कि मैं खुद किस प्रकार से जो वीडियो एडिट करता हूँ। बस मैं आपको बस यही करना चाहता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। आप अगर यूट्यूब पर आ रहे हो आपको सबसे पहले जो एक नीच ढूंढना है, कैटेगरी ढूंढने की, किस कैटेगरी के ऊपर आपको चैनल बनाना है, आप किस कैटेगरी में आप एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हो, इसमें आप आगे जाके कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कौन से भी कैटेगरी उठाओगे और उसमें बढ़ना बताओगे फिर बाद में बोलेगा यार नहीं ये कैटेगरी अच्छी नहीं है, फिर दूसरी कैटेगरी चूज़ कर लेता हो, फिर आपको बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद देखें कि आपको क्या पता है और फिर उसके ऊपर आप एक चैनल बनाइए, उसमें आगे आगे करके आप जो है सक्सेस पा सकते हो। और सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, 30-40 से 50 वीडियो अपलोड कर देनी है। अगर आपको करनी है तो कंटिन्यूसली करते रहिए, नहीं तो अगर आपको दूसरा काम है तो आप रुक जाइए, देखिए कि YouTube से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो आप दूसरी चैनल खोल के दूसरे चैनल पे काम कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो कोई चैनल डायरेक्टली बूस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा रहेगा 500-1000 रुपये तो आप अपने ट्राइपॉड पे और माइक पे इन्वेस्ट कर सकते हो।
1,000-1,500 लग सकते हैं, उसकी ज़्यादा नहीं, तो आप डायरेक्टली 5,000 का ट्राइपॉड लोगे, 10-15,000 का माइक लोगे, कैमरा लोगे 60-70,000 का, मतलब ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। स्टार्टिंग में कुछ पैसा थोड़ा सा यूज़ करना है जिससे आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आप बोलेगे यार मेरे को कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने का, मेरे को डायरेक्ट यूट्यूब पर आने का है। तो गाइस कौन सा भी चीज़ है, कौन सा भी वर्क ऐसा नहीं है कि जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे और डायरेक्टली आपको पैसे मिलते रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन सी इक्विपमेंट से मैं खुद शूट करता हूँ, किस प्रकार से शूट करता हूँ, तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आएगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस बस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगी। तो गाइस फिर से आपको सबको थैंक यू सो मच गाइस मुझे 1K सब्सक्राइबर करने के लिए, और आगे अभी बहुत जाने का 10K 100K भी सब्सक्राइबर पार करने आए। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम देगा, आप मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। सो गाइस आपका वीडियो पसंद आ रही है, मिलते हैं ऐसी किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।